नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स की बुक और चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर चलेगा 11 क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने कर लिया, बस आपको समझाना है कि कैसे होता है। तो आप पहले ये देख लें इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मिस्टर पी मिश्रा ऑन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। ही क्लेम अ डिडक्शन ऑफ रुपीज कितना, 50,000 का डिडक्शन ने लिया अनरियलाइज रेंट के लिए, क्लेम किया, आउट ऑफ विच द असेसिंग ऑफिसर अलाउ ओनली 42,000 एट डिडक्शन ऑन 10th August 2022। मिस्टर मिश्रा रिकवर्स सम मनी फ्रॉम डिफॉल्टिंग टेनेंट एज अ फुल एंड फाइनल पेमेंट। कुछ पैसे इनको मिल गए डिफॉल्टिंग टेनेंट से। हाउ मच अमाउंट विल बी टैक्सेबल आउट ऑफ रिकवर्ड अमाउंट। रिकवर्ड अमाउंट इज 6,000 है, एक्सपेंसेस और रिकवरी 1,000 दे रखा है। बी में है 10,000, एक्सपेंसेस रिकवरी 3,000 है, रिकवर्ड अमाउंट है 15,000 सी केस में, और वहाँ पे 18,000 रुपये एक्सपेंसेस हुए। तो हमें तीनों केस दे रखे हैं, केस 1, 2, 3। तो हमें सॉल्व करना है कि अचानक से अगर मान लो कोई तुम्हारा डिफॉल्टिंग टेनेंट पैसे देने लगे तो आपको टैक्सेबल अमाउंट कैसे दिखाओगे इसमें, है ना। टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, किस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा है मैंने कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल, लिख पा रहे हैं यहाँ से, देखो चलो, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। और यहाँ पे अमाउंट क्लेम फॉर डिडक्शन लिखा है, 50,000 की क्लेम किया गया था। अमाउंट अलाउ एज फॉर डिडक्शन बाय AO मतलब असेसिंग ऑफिसर ने जो अलाउ किया है वो 42,000 का अलाउ किया है। 8,000 के अमाउंट वो है जो अमाउंट नॉट अलाउ एज डिडक्शन माना जाएगा, इसको अलाउ नहीं किया गया। अब केस वन में देखा जाए तो केस वन में रिकवर्ड अमाउंट है 6,000, एक्सपेंसेस रिकवरी का कुछ नहीं करना, कहीं फॉर्मेलिटी जगह नहीं होती इसकी। तो रिकवर्ड अमाउंट कितना है 6,000, ये अमाउंट इस अमाउंट से कम है नॉट अलाउड एज डिडक्शन वाली अमाउंट से, तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट हमारी क्या आएगी, निल। अगर ये ज़्यादा होता तो हम कहते हैं कि कुछ पैसा ऐसा माना जाएगा जो हमारा अनरियलाइज रेंट रिसीव के कैटेगरी में आएगा। तो ये अमाउंट इससे कम होने के केस में ये आपका निल आया, जिसके लिए मैंने लिखा है रिकवर्ड अमाउंट कितनी है 6,000 इज लेस देन अमाउंट नॉट अलाउड एज डिडक्शन 8,000 से। 8,000 से कम थी इसलिए टैक्सेबल अमाउंट हमारी निल आई है। लेकिन बात करें केस नंबर 2 की, जो आपको दिख रहा होगा ध्यान से देखें, रिकवर्ड अमाउंट कितनी है 10,000, लेस करेंगे अमाउंट नॉट अलाउड एज डिडक्शन 8,000 रुपये जो नॉट अलाउड वाली कैटेगरी में था, तो फिर हमारा अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड कितना हुआ जो माना गया अलाउड की कंडीशन में 2,000। इस 2,000 को अनरियलाइज रेंट रिसीव वाली कैटेगरी में लिया गया है, इसमें आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 30% का छूट मिला, तो आपका बचा कि अमाउंट कितनी है 1,400। ये वो अमाउंट है जो टैक्सेबल अमाउंट मानी जाएगी, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह से सोचो। ठीक है, रिकवर्ड अमाउंट थर्ड केस में था आपका 15,000, अमाउंट नॉट अलाउड एट डिडक्शन कितनी है 8,000, माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट कितना आएगा 7,000 रुपये। ये वो रेंट है जिस पे हम डिडक्शन लेके और बता देंगे कि हाँ भाई ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है जो हमारी टैक्सेबल पार्ट में जुड़ना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी वाले में कैटेगरी में। तो ये 4,900 आ गया 7,000 में से 2,100 माइनस करके। तो इस तरीके क्वेश्चन है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन कर दिया है तो मुझे बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी वीडियो होगी, आप पूरी देख लिया करना। ये मत सोचना कि कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ पढ़ते पढ़ते, तो वो भी ध्यान रखना, पूरी वीडियो देखें और लाइक शेयर करें। बुक अगर आप कोई और राइटर की अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर लिंक है, उससे बाय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।